वर्तमान रबी सीजन में तिलहन की रिकॉर्ड बुआई है। तिलहनी फसलों का रकबा 103 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी सरसों में देखी गई है। वहीं रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल मामूली कम हुआ है। दलहन को लेकर भी अच्छी खबर है और पिछले साल के मुकाबले इसका भी रकबा बढ़ा है। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सरकार की नीतियों के कारण रबी सीजन में होने वाले धान के रकबे में भी कमी आई है, जो कि एक अच्छी खबर है। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद भी मोटे अनाज का रकबा नहीं बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के फसल विभाग की तरफ से जारी हुए रबी फसलों की बुआई के आंकड़ों पर गौर करें तो 4 फरवरी 2022 तक देश में गेहूं की कुल बुआई 343.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। ये पिछले साल की तमाम अवधि में हुई कुल बुआई 346.10 से 2.84 लाख हेक्टेयर कम है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश और बिहार को छोड़कर बाकी के सभी राज्य में गेहूं की बुआई तय लक्ष्य से कम हुई है। सबसे अच्छी खबर तिलहन के क्षेत्र से आई है। भारत सरकार की नीतियों और पिछले साल सरसों के लिए अच्छे दाम से उत्साहित किसानों ने जमकर बुआई की है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि तिलहन का रकबा 19.10 लाख हेक्टेयर बढ़कर 102.79 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। बीते साल समान अवधि में इन फसलों का क्षेत्रफल 83.69 लाख हेक्टेयर था। तिलहनी फसलों में सबसे अधिक बढ़ोतरी सरसों के रकबे में देखने को मिली है। पिछले साल के 73.12 के मुकाबले ये बढ़कर 91.63 लाख हेक्टेयर हो गया है। बाकी तिलहनी फसलों का रकबा कमोबेश पिछले साल जैसा ही है। बीते साल सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए प्रति क्विंटल से काफी अधिक रहा। इस वजह से किसानों ने खुले बाजार में इसकी बिक्री की। तिलहनी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयासरत सरकार ने इस बार सरसों की MSP में 400 रुपए की बढ़ोतरी की है। आगामी सीजन के लिए सरसों का समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों के साथ ही सरकार को भी उम्मीद है कि सरसों का भाव इस बार भी MSP से अधिक होगा। दलहनी फसलों के रकबे में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले साल के 166.12 मुकाबले इस बार 168 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। हालांकि चना के क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बाकी दलहनी फसलों का रकबा पिछले साल जैसा ही है। इस साल पोषण युक्त मोटे अनाज और धान के रकबे में कमी आई है। धान की खेती में अत्यधिक पानी का इस्तेमाल होता है और ये पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में धान के क्षेत्रफल में आई कमी एक अच्छी खबर है। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद भी पोषण युक्त मोटे अनाज के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। सिर्फ मक्का और जौ के रकबे में मामूली बढ़त देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।